अम्बावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज आप लोगों का हैवी हो रहा है ना, सुबह से सुन ही रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। सो आज से अब शाम को रामायण पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, राम कथा। तो इससे पहले कि चर्चा प्रारंभ करें, भगवान श्री राम को प्रणाम करेंगे। आप सब हमारे पीछे पीछे दोहराइए, रामम रामानुजम सीता, भरतम भरतानुजम सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम, श्रीमती सीता देवी, श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और उनके मित्र श्री सुग्रीव, और उनके परम भक्त वायुपुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये जो रामायण की कथा है, राम कथा, ऐसे कहते हैं कि इसका एक एक शब्द हमें पावन करने वाला है, और इसका गुणगान करोड़ों करोड़ों श्लोकों में किया गया है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरम् पुंसा महापातकनाशनम्। ऐसा कहा गया है, चरितम रघुनाथस्य, भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र शतकोटि प्रविस्तरम, करोड़ों करोड़ों श्लोकों में गाया गया है। एकैकम अक्षरम पुंसा, लेकिन इसका एक एक अक्षर महापातक नाशनम, हमारे जीवन के जितने पापमय कर्म फल हैं उनका नाश करने वाला है। महापातक नाशनम, जितने बहुत सारे भी हों तो उनका नाश करता है। विशेष करके कलयुग में भगवान की कथा का श्रवण, इसका गुणगान किया गया है। श्री रामचंद्र जी की जो कथा रामायण में है, कृष्ण की महाभारत में है, श्रील प्रभुपाद श्रीमद्भागवतम के पहले स्कंद में लिखते हैं कि हमें रामायण महाभारत पढ़नी चाहिए। कभी कभी प्रश्न आता है कि क्यों श्रील प्रभुपाद ने रामायण का अनुवाद नहीं किया, इतने सारे ग्रंथों का किया तो रामायण का भी करना था। तो फिर कुछ भक्त सोचते हैं कि शायद इसलिए नहीं किया कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए प्रभुपाद ने उसका अनुवाद नहीं किया, और क्योंकि प्रभुपाद ने अनुवाद नहीं किया इसलिए हमें ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। श्रीमद् भागवत में हम लोग देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने भी राम कथा को बहुत संक्षेप में कहा, नौवें स्कंद में, और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि यह कथा तो बहुत प्रसिद्ध है, तुम कई बार सुन चुके हो, इसलिए बड़े संक्षेप में कह रहा हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी ने भी यही कहा कि बड़ी प्रसिद्ध है, तो क्योंकि पहले से इतनी प्रसिद्ध थी तो श्रील प्रभुपाद ने भागवत, भगवद गीता, जो हमारे आंदोलन के आधार बने, उन पर ज़्यादा जोर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें रामायण पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम नवा स्कंद पढ़ें तो प्रभुपाद हर जगह पर लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हैं,
भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो इसीलिए कभी कभी ये जो भ्रांतियाँ फैलती हैं कि हमें केवल कृष्ण कथा करनी है, राम कथा नहीं, ये ठीक नहीं है। प्रभुपाद ने खुद लिखा है कि हमें रामायण महाभारत पढ़नी चाहिए। तो रामचंद्र जी की ये कथा बड़ी, विशेष करके जैसे हम कह रहे थे, कलयुग में बहुत पावन करने वाली है। कलयुग के लक्षण हम सब जानते हैं, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलाओ अस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मतेयो मंद भाग्या ही उपद्रतः, कि हम लोग सब इस समय, हमारा भाग्य भी इतना अच्छा नहीं है, आयु कम है, बुद्धि नहीं है, और ऐसे में अगर हमें भगवान की कथा हमारे कर्ण में पड़ती है तो निश्चित है हमारे हृदय को शुद्ध कर सकती है। ये जो कलयुग है इसमें लोगों ने भगवान की शरण को छोड़कर एक दूसरे की शरण लेना प्रारंभ कर दिया। ये कलयुग का लक्षण है। अन्य युगों में लोग भगवान की शरण लेते हैं, लेकिन कलयुग में लोग एक दूसरे का, किसी शक्तिशाली व्यक्ति का या किसी अन्य चीज़ का शरण लेते हैं। ये कलयुग का एक लक्षण है। कलयुग का और एक लक्षण है कि जो कलयुग में सन्यासी होते हैं, तथा कथित सन्यासी, प्रामाणिक सन्यासियों की बात नहीं कर रहे हैं, तथा कथित सन्यासी, तो उनका उद्देश्य या उनकी चिंता केवल पेट भरने तक रहती है। ये भी कलयुग का एक लक्षण है। इसीलिए देखिए, भारत में कई लोग भगवे वस्त्र पहनकर घूमते हैं केवल इसलिए कि उनका पेट भर जाए, बस जीवन चल जाए, वो प्रामाणिक नहीं है। तो ऐसा ये कलयुग है, और इस कलयुग में ये जो राम कथा है ये पावन करने वाली है। इसके लिए इसकी तुलना गंगा से की गई है। बहुत सुंदर श्लोक में कहा गया है, वाल्मीकि गिरि संभूता रामं भो निधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। तुलना की गई है गंगा से कि जैसे गंगा तीनों लोकों में बहती हैं, ऊपर के लोकों में मंदाकिनी, पृथ्वी पर भागीरथी और नीचे के लोकों में भोगवती, तीनों लोकों को पावन करती हैं, ऐसे ही श्रीमद् रामायणी गंगा, ये जो रामायण की गंगा है ये हमारे तीन स्तरों को पावन करती है, शरीर, मन और आत्मा। और है कहाँ से निकली, कहाँ से है, वाल्मीकि गिरि संभूता, वाल्मीकि नाम के पर्वत से ये निकल रही है, राम के गुणगान से भरी हुई। तो ऐसे ये बड़ी प्रसिद्ध कथा को अब हम लोग श्रवण करेंगे। इसके बारे में बहुत सी इसकी टीकाएं दी गई हैं, कुछ प्रामाणिक हैं, कुछ अप्रामाणिक हैं, कुछ टीकाओं में से राम को निकाल दिया गया है, ऐसी कई टीकाएं राम, क्योंकि बड़ी प्रसिद्ध है रामायण इसीलिए दी गई है। इस हमें इस रामायण को भी श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के आधार पर समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संप्रदाय से अलग जाकर हम कोई चीज़ समझ नहीं सकते। संप्रदाय विहीनस्त मंत्र निष्फल मतः, अगर हम संप्रदाय से अलग जाकर कोई भी प्रयास कर रहे हैं तो निष्फल होगा। इसीलिए इस रामायण को प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधार पर समझने का। तो रामायण से पहले रामचंद्र जी अयोध्या, जहाँ ये लीलाएं हुई, अयोध्या एक शाश्वत जगत है। भगवान के शाश्वत जगत में अयोध्या शाश्वत रूप से है। जो गोलोक वृंदावन है, जिसमें मथुरा, वृंदावन इत्यादि आते हैं, तो उसके द्वार पर अयोध्या आती है। ऐसे कहते हैं कि अयोध्या इज़ द गेटवे टू गोलोक। तो गोलोक जाने के मार्ग में अयोध्या है, आध्यात्मिक जगत में। और वहाँ भगवान राम और उनके जितने भी भक्त हैं, जितने भी चरित्र हम रामायण में देखते हैं, वो सब वहाँ शाश्वत रूप से विराजमान हैं।
और वही रामचंद्र जी इस धराधाम पर आते हैं लीलाएं करने के लिए अपने पार्षदों के साथ। तो कई वैकुंठ जगत, मतलब कई लोक हैं वैकुंठ जगत में, और हर जगत में, हर लोक में भरा हुआ है क्रियाएं, निष्क्रिय जगत नहीं है। भारत में लोगों की एक गलत धारणा है कि अंत में तो सब विलीन हो जाना है। कई लोग इस बात को कहते हैं, मुक्ति को विलीन हो जाना माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत ये कार्यों से भरा हुआ है, सुंदर सुंदर सेवाओं से भरा हुआ है, और उनमें ही अयोध्या भी है। तो भगवान राम त्रेता युग में प्रकट हुए। अगर हम शास्त्र के अनुसार गणना करें तो माना जा सकता है कि आज से करीब 9 लाख साल पहले भगवान रामचंद्र आए। कैसे ये गणना आती है? अभी हम कलयुग के प्रारंभ में हैं, और इसके पहले जो युग गया वो था द्वापर। तो कलयुग का इस समय बताया गया 4,32,000 साल, और उससे दुगना है द्वापर, 8,64,000। तो करीब, अगर रामचंद्र जी को ये भी माना जाए कि त्रेता के अंत में भी आए, तो भी 9 लाख साल हो जाते हैं अंदाज़ा। तो रामचंद्र जी आए, लीला की। लोग ये मानते हैं कि ये भगवान की सारी लीलाएं या सारे जो शास्त्र हैं भारत में ही क्यों हैं, अन्य स्थानों में क्या भगवान लीला नहीं करते हैं? तो ये रामायण इतनी प्रसिद्ध है कि रामायण के संस्करण केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी पाए जाते हैं। बड़ी प्रसिद्ध है ये रामायण। तो कई संस्करण हैं, संस्कृत में रामायण के संस्करण हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण, वशिष्ठ मुनि के द्वारा लिखी गई रामायण जिसको योग वशिष्ठ कहते हैं, अगस्त्य मुनि के द्वारा दी गई रामायण, ये सब संस्कृत में हैं जो शास्त्रों में प्राप्त होती हैं। और अध्यात्म रामायण जो ब्रह्म पुराण का हिस्सा है, अध्यात्म रामायण, तो ये सब संस्कृत में मिलते हैं। हिंदी में हम जानते हैं बड़ी प्रसिद्ध तुलसीदास जी की रामायण है, बंगाली में भी रामायण है कीर्तिवास, तमिल में कम्ब रामायण है। ये अलग अलग भाषाओं में ये रामायण के संस्करणों को दिया गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य माना गया है, और वाल्मीकि को आदि कवि, रामायण के आदि कवि अर्थात पहली जितनी भी बाकी रामायण हैं उनका आधार वाल्मीकि रामायण है। तो ऐसे अलग अलग भाषाओं में रामायण प्राप्त होती है। मलेशिया में भी मलेशियन भाषा में एक रामायण है जिसे कहते हैं हिकायत सेरी राम, तो वो भी वहाँ की उनकी रामायण है, जिसमें दशरथ को एडम का ग्रैंडसन बताया गया है, और रावण को अल्लाह से आशीर्वाद मिलता है, ऐसा उसमें लिखा गया है, लेकिन राम और रावण का वर्णन है उसमें। थाईलैंड में एक रामायण है, थाईलैंड में जो रामायण है उसका नाम है राम कीर्ति, और इसमें कहा गया है कि सीता देवी दरअसल रावण की पुत्री थी। जब जन्म हुआ तो बहुत सुंदर थी, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ तो उस समय ज्योतिषियों ने कहा कि अरे ये तो आपकी मृत्यु का कारण बनेगी, तो रावण ने तुरंत समुद्र में फेंक दिया, और वो बहती हुई फिर आई थी और बाद में जनक महाराज को मिली। तो ऐसा वर्णन थाईलैंड की रामायण में किया जाता है। तो ऐसे ऐसा नहीं है कि केवल भारत में है, कई जगहों पर इंडोनेशिया में, थाईलैंड में बड़ी प्रसिद्ध है रामायण। वहाँ के राजाओं के नाम राम के ऊपर होते थे, राम एक, राम दो, राम तीन, आज भी वहाँ पर स्ट्रीट्स हैं राम के नाम पर। रामायण बड़ी प्रसिद्ध है उस जगह पर, वहाँ स्ट्रीट्स जो हैं वो रामचंद्र जी के नाम पर आज भी हैं वहाँ की स्ट्रीट्स। तो ऐसा कई जगहों पर रामायण देखने मिलती है। तो रामायण का प्रारंभ अलग अलग स्थानों में या अलग अलग जो रामायण के संस्करण हैं अलग अलग तरीके से किया गया है। अध्यात्म रामायण में जो ब्रह्म पुराण का हिस्सा है
वहाँ संवाद है पार्वती जी और शिव जी का। तो अध्यात्म रामायण में ये समय है जब भगवान रामचंद्र को पार्वती जी देखती हैं कि वो सीता को ढूंढ रहे हैं, उनको सीता पता नहीं है, तो वो शिव जी से प्रश्न करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे सत्य बताइए, भक्त से सारे जो रहस्य होते हैं उसे कहना चाहिए और मैं आपकी भक्त हूँ, इसीलिए मुझे सत्य बताइए कि क्या राम आराध्य हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए या साधारण व्यक्ति हैं। वैसे तो मुझे पता है, पार्वती देवी कहती हैं कि वैसे तो मुझे पता है कि रामचंद्र जी ये एक बहुत सुदृढ़ नाव की तरह हैं जिसमें ये भवसागर को पार किया जा सकता है और उनकी भक्ति एक ही मार्ग है जिससे हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। भक्ति प्रसिद्धम भवमोक्षणाय नान्यतत् साधनमस्ति किंचित। तो वो कहती मैं ये भी जानती हूँ, लेकिन कैसे समझें, रामचंद्र जी एक साधारण मानव की तरह हैं, उनको कुछ पता नहीं कि कहाँ है उनकी पत्नी, तो कैसे हम उनकी पूजा कर सकते हैं। तो क्या समझें कि रामायण रामचंद्र जी ये अज्ञान में हैं या आराध्य हैं? अगर आराध्य हैं तो अज्ञान में नहीं होना चाहिए, और अज्ञान में हैं तो उनकी आराधना कैसे कर सकते हैं। शिव जी ने जब ये सुना तो शिव जी मुस्कुराए और शिव जी ने कहा, पार्वती जी को बहुत सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि मैं वो उत्तर तुम्हें देता हूँ जो श्रीमती सीता देवी ने हनुमान जी को दिया था, इसको श्री राम हृदयम कहते हैं, तो उसको मैं तुम्हें देता हूँ। तो शिव जी ने श्री राम हृदयम फिर सुनाया, बहुत विस्तार से अध्यात्म रामायण का अध्याय है पूरा जो इस श्री राम हृदयम को कहता है। तो उन्होंने समझाया, उसका सार इस तरह था कि उन्होंने समझाया कि हम अहंकार के कारण भगवान को जान नहीं पाते हैं। भगवान में कभी कोई दोष हो नहीं सकता। जय शिष्य गौर नटराज दयाल। वो कहते हैं कि भगवान में कोई दोष नहीं हो सकता, जैसे कि सूर्य में अंधकार नहीं हो सकता। जब हम कहते हैं कि सूर्य है तो उसमें अंधकार कैसा होगा, इसी तरह भगवान हैं तो उनमें कभी भी अधर्म अज्ञान हो नहीं सकता। लेकिन हमारे अहंकार के कारण हम लोग ये सोचते हैं, हम भगवान को देख नहीं पाते हैं। अहंकार के बड़े उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे जो मनुष्य जीवन है ये एक कागज़ की नाव की तरह है। हम लोग बचपन में जब बारिश होती थी तो घरों में पानी भर जाते थे, तो हम लोग छोटी सी कागज़ की नाव बनाते थे और ऐसे उसको चलाते थे उसमें। अब तो पता नहीं बना पाएंगे नहीं, उस समय पे बहुत जल्दी बना लेते थे, छोटा सा ऐसे कागज़ से नाव बन जाती थी और वो चलती थी। मनुष्य जीवन ऐसा है, कागज़ की नाव। जब कागज़ की नाव पानी पर चलती है, जब हम लोग बनाते थे, हमें याद है बड़ी सीधी रहती थी, बीच में ऐसे आता था उसके और दोनों तरफ ऐसे, बड़ी सीधी चलती थी। तो सीधे चलना मतलब अहंकार। तो मनुष्य जीवन इस तरह है, अहंकारी रहते हैं, लेकिन कागज़ की नाव को पता नहीं कब जरा सा हवा आई और डूब जाएगी। जैसे हम लोग गाते हैं, कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीति रे। ये जो हमारा जीवन है कैसा है, कमल के पत्ते पर जब बूंद पड़ी होती है पानी की, बड़ी चमकती है, मोती लगती है नहीं, लेकिन जरा सी हवा आती है गिर जाती है। तो ऐसे मनुष्य जीवन है और उसमें हम अहंकार करते हैं। वो कथा हम लोग सुन चुके हैं ना कि किस तरह एक बार एक गधे की पीठ पर भगवान के विग्रहों को रख दिया गया, अल्टर को रख दिया गया, तो अचानक गधे ने देखा गए हैं। गधा बड़ा खुश हो गया कि सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो देख नहीं पाया कि प्रणाम दरअसल पीठ पर रखे भगवान को किया जा रहा है। तो जब एक दो दिन सबने प्रणाम किया, गधे को बड़ा अच्छा लगा, उसने सोचा ये बोझा मुझे अपने पीठ पर नहीं लेना चाहिए,
तो उसने हिलकर जोर से गिरा दिया, और जैसे ही गिराया लोगों ने डंडा लेकर उसको मारना शुरू किया गधे को, धार धार, और गधे को समझ नहीं आया क्या हो रहा है, अभी तक मुझे प्रणाम कर रहे थे। तो इसी तरह जब हमें जीवन में अहंकार होता है, हम भूल जाते हैं कि हमारा सारा जो मान सम्मान है वो भगवान के लिए है, भगवान के कारण है। इसलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हिंदी में एक कहावत भी है ना, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, ऐसा कुछ है, रहीम का है, हाँ, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। रहीम भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने लिखा है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे मेरा लाख टका है मोल। मतलब जो बड़े होते हैं सही में, जिनको ज्ञान होता है, वो अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। अपनी बड़ाई करना ये मृत्यु के समान है। महाभारत में इसका प्रमाण है कि जब अर्जुन को, अर्जुन ने ये कथा हम लोग कई बार सुन चुके हैं कि अर्जुन ने वचन लिया था कि अगर कोई मुझे कहेगा कि ये गांडी उतार कर फेंक दो तो मैं उसका वध कर दूंगा, और जब कर्ण युधिष्ठिर को घायल करके वापस भेज देते हैं तो अर्जुन आते हैं देखने के लिए। जैसे ही आते युधिष्ठिर कहते तुमने मार दिया कर्ण को, बहुत अच्छा किया। अर्जुन ने कहा नहीं मारा। अरे तो उतार दो गांडी भी, क्या क्या लाभ है इस गांडी धनुष का, तुम योग्य नहीं हो। जैसे ही अर्जुन ने सुना, अर्जुन ने तलवार निकाल मारने के लिए, तो कृष्ण ने रोका, क्या हुआ? मैंने प्रतिज्ञा ली है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, अपमान करो। अपमान किया, वध के समान था। फिर उसने, अर्जुन ने तलवार अपने गले पर रख ली, अब क्या हुआ? मैंने और एक प्रतिज्ञा ली है कि अगर कोई मेरे भाई का अपमान करेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। तो उस समय कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम अपना गुणगान करो, अपनी बड़ाई करो, ये एक अच्छे प्रामाणिक व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान है। तो इसलिए बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, बहुत बड़े बड़े बोल। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका, हीरा खुद कब कहता है कि मेरा ये मूल है, मैं लाख रुपए का हूँ या कितने का हूँ, वो तो जो जौहरी होता है वो देखकर कहता है। तो इसीलिए ये अहंकार के कारण, मूल बात शिव जी समझाते हैं पार्वती देवी को कि ये इस कारण से हम भगवान को नहीं जान पाते। तो जब ये सुना पार्वती देवी ने, पूरा श्री राम हृदय सुना, बड़ा आनंद आया उनको। ये सीता देवी ने हनुमान जी को सुनाया था, तो फिर उस समय उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे संपूर्ण रामायण सुनाइए, और फिर शिव जी ने पूर्ण रामायण सुनाना प्रारंभ किया। तो ऐसे ये अध्यात्म रामायण में प्रारंभ होता है। वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ है कि नारद मुनि आते हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, गुरु हैं, स्वागत करते हैं। तो फिर वाल्मीकि एक प्रश्न करते हैं उनसे कि एक ये बात बताइए कि क्या इस समय पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, जो सारे गुणों की खान है, भंडार है गुणों का, और जिसके प्रभाव से पृथ्वी में सब जगह धर्म ही धर्म फैल रहा, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? नारद मुनि ने कहा, हाँ, इस समय एक व्यक्ति हैं जो राज्य कर रहे हैं, और कौन है वो? तो उन्होंने रामचंद्र जी के बारे में वर्णन किया। तो संक्षेप में नारद मुनि ने पूरी रामायण सुनाई उस समय वाल्मीकि ऋषि को कि शुरुआत से जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, फिर विवाह हुआ, फिर वन में गए, ये सारा कथा नारद मुनि ने बड़े संक्षेप में सुना दिया। बड़ी प्रसन्नता हुई वाल्मीकि मुनि को सुनकर भगवान राम के इतने सुंदर चरित्र को। फिर उसके बाद नारद मुनि चले गए। वाल्मीकि मुनि स्नान करने के लिए जाते हैं तमसा नदी के तट पर, और वहाँ पहुँचते हैं तो अपने शिष्य को कहते हैं भरद्वाज को कि जाओ जरा कुछ पात्र ले आओ, हम स्नान करेंगे। तो पात्र लेने जाते हैं, तब तक घूम रहे हैं वाल्मीकि मुनि, और वो देखते हैं कि सामने दो क्रौंच पक्षी हैं, वो प्रेम का आदान प्रदान कर रहे, एक नर और मादा। तो अभी इसको देख ही रहे थे वाल्मीकि मुनि कि अचानक एक तीर आया कहीं से, और जो नर पक्षी था उसको मार दिया, और उसको देखकर मादा बड़ी दुखी हो गई। तो ये देखकर वाल्मीकि मुनि, जो बहुत आत्मसंयमी हैं, क्रोध नहीं करते हैं, श्राप नहीं देते हैं,
उनके मुख से एक श्राप निकल गया। पक्षियों को एक व्याध ने मारा था, एक शिकारी ने मारा था, और उसको देखकर वाल्मीकि मुनि के मुख से एक श्राप निकला। मानिषाद प्रतिष्ठामम त्वं गतः शाश्वती समः यत् क्रौञ्चं मिथुनादेकं अग्निः काममोहितम्। वो कहते हैं कि हे निषाद, हे शिकारी, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। श्राप दे दिया उन्होंने, मां निषाद प्रतिष्ठामम त्वं गतः शाश्वती समा, कभी शांति नहीं मिलेगी तुम्हें। क्यों? यत् क्रौञ्चं मिथुनादेकं अग्निः काममोहितम्, तुमने ये जो क्रौंच पक्षी हैं दो जो प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे, उनको तुमने मार डाला, इसलिए तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। तो पहला श्राप निकला उनके मुख से। और कहना चाहिए कि रामायण का ये कह सकते हैं कि पहला श्लोक था, क्योंकि एक छंद में था। हालांकि श्राप था लेकिन छंद में निकला उनके मुख से, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए वो। कुछ उसमें हो रहा है इसमें, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए वाल्मीकि मुनि की, कैसे मैंने ये श्राप दे दिया, मेरे मुख से कैसे ये श्राप निकला। तो इसीलिए उस समय वो ऐसे विचार करते रहे कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मैंने क्यों इतना श्राप दे दिया। और उसी चिंतन में वो अपने जब आश्रम में वापस आए तो वहाँ ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वाल्मीकि मुनि बड़ी चिंता में हैं, और वाल्मीकि ने प्रश्न किया कि कैसे मेरे मुख से ये श्राप निकल गया, मैं क्रोधित हो गया, ये कैसे हुआ। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरी योजना से हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तुम अब रामायण की रचना करो। तो जो सारी लीलाएं हैं रामचंद्र जी की, बचपन से लेकर, जन्म से लेकर अब तक के लिए आगे की सारी लीलाएं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगी, उसको लिखो। तो ब्रह्मा जी के आदेश पर फिर वाल्मीकि मुनि ने 24,000 श्लोकों वाली इस रामायण को लिखा, जिसे वाल्मीकि रामायण कहते हैं। तो इसमें 24,000 श्लोक हैं। तो ऐसे वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ होता है। पद्म पुराण में लिखा गया है प्रारंभ, पद्म पुराण में भी रामचंद्र जी की कथा है, तो वहाँ प्रारंभ करते हैं। वहाँ बताया गया कि किस तरह स्वयंभू मनु और शटरूपा, इन्होंने बहुत तपस्या की, और बहुत तपस्या करने के बाद भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान ने फिर उनको आशीर्वाद दिया कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो पद्म पुराण में लिखा गया है कि वही स्वयंभू मनु और शटरूपा तीन जन्म लेते हैं। पहला दशरथ महाराज का, जिनके पुत्र श्री रामचंद्र बने। दूसरा वसुदेव का, जिनके पुत्र श्री कृष्ण बने। और तीसरा वो जन्म लेंगे हरिगुप्त का। हरिगुप्त जो सांभाल ग्राम में प्रकट होने वाले हैं, जिनके पुत्र होंगे कल्कि। तो पद्म पुराण में ये कहा गया है कि वही स्वयंभू मनु और शटरूपा ये तीन समयों में भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ये रामायण का प्रारंभ है। तो अब जिस प्रकार से उन्होंने रामायण लिख दी वाल्मीकि मुनि ने 24,000 श्लोकों की, और वो सोच रहे थे कि किसको पढ़ाएं, अब ये लिख तो दी है लेकिन अगर लिखा है तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि उनके आश्रम में दो बालक हैं, लव और कुश, तो उन्होंने उनको ये पूरी रामायण सिखा दी, पढ़ा दी, और उनसे कहा कि जाओ और अयोध्या की गलियों में इसको गाओ। तो लव कुश अयोध्या की गलियों में बड़े मधुर स्वर में रामायण गाने लगे। तो जहाँ जाते, जिस गली में, जिस स्थान पे जाते, लोग इकट्ठा हो जाते, बड़ा आनंद आता उनको सुनने का, हमारे राम की कथा है, और वो कथा को कहते बड़े मधुर तरीके से।
धीरे धीरे ये बात रामचंद्र जी के कान में पहुंची कि कोई दो ऋषि पुत्र हैं जो कथा कह रहे हैं, रामचंद्र जी की कथा या रामायण की कथा कह रहे हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि उनको बुलाओ, सभा में बुलाओ और सब लोग कथा सुनेंगे। तो उन्होंने सब मंत्रियों को, सैनिकों को, जितने भी सेनापति इत्यादि सबको कहा, सब आकर कथा सुनो। किसकी कथा? राम कथा। भगवान को अपनी कथा सुनने में ही आनंद आता है, उसमें भी आनंद लेते हैं वो। तो रामचंद्र जी बैठे, सारे उनके भाई सब सेनापति इत्यादि मंत्री बैठे और उनके सामने लव कुश ने रामायण की कथा कहना प्रारंभ किया। तो अब वो कथा जो उन्होंने वाल्मीकि मुनि की जो कथा है रामायण की, वाल्मीकि द्वारा रचित, उसको कहना प्रारंभ किया। तो अब उस कथा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो दशरथ महाराज, पहले वर्णन किया गया अयोध्या की नगरी का। सबसे पहला वर्णन है कि कैसे अयोध्या बहुत सुंदर नगरी है, बहुत ऐश्वर्यवान नगरी है अयोध्या। और फिर उसमें वर्णन किया गया दशरथ महाराज का कि दशरथ उसमें राज्य करते हैं और बहुत प्रतापी राजा हैं, इक्ष्वाकु कुल के हैं, तो बहुत प्रतापी राजा हैं। दरअसल दशरथ महाराज की जो वंशावली है, उनसे जो पहले जाते हैं, बड़ी प्रतापी राजाओं की वंशावली रही है। सगर महाराज से अगर देखें, आगे चलकर जब गंगा इत्यादि का वर्णन हम करेंगे, गंगा का विस्तार से, तब सगर महाराज का वर्णन करेंगे। लेकिन संक्षेप में, सगर महाराज के पुत्र हुए और फिर उनके पुत्र हुए, उनके भी पुत्र के पुत्र अंशुमन हुए। सगर महाराज के पुत्र थे असमंजस और उनके पुत्र हुए अंशुमन। तो अंशुमन के पुत्र हुए महाराज दिलीप। महाराज दिलीप के पुत्र थे भागीरथ, जिससे जिनके कारण गंगा प्रकट हुई। तो भागीरथ महाराज, ऐसे उनके वंशावली में आगे चलकर आए खटवांग महाराज, दीर्घबाहु, उनके पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र थे अज और अज के पुत्र थे दशरथ। तो इस तरह ये बड़े महान राजाओं की ये वंशावली थी, इतने महान उनके वंशज रहे हैं। तो दशरथ महाराज राज्य कर रहे हैं अयोध्या पर, बड़ी प्रभावी नगरी है, ऐश्वर्यवान नगरी है, लेकिन दशरथ महाराज दुखी हैं। दशरथ का दुख है कि उनके कोई संतान नहीं है, उनके कोई पुत्र नहीं है। वैसे दशरथ महाराज की एक कन्या हुई थी जिसका नाम था शांता, कौशल्या और दशरथ की पुत्री, लेकिन उसको उन्होंने, एक राजा थे रोमपाद, उनको गोद दे दिया था, क्योंकि उनको पुत्री की कामना थी और दशरथ को पुत्र की कामना थी। तो इस जगत में ऐसा ही होता है, जिनके पास जो है उससे वो संतुष्ट नहीं रहते हैं। जिनके संतानें नहीं हैं वो संतानें चाहते हैं, जिनके पुत्र है वो पुत्री चाहते हैं, जिनकी पुत्री है वो पुत्र चाहते हैं, जिनके बच्चे दोनों हैं तो उनको हॉस्टल में भेजना चाहते हैं। कोई संतुष्ट नहीं है कहीं पर भी। तो दशरथ महाराज को पुत्र की कामना थी, रोमपाद महाराज को पुत्री, तो उन्होंने पुत्री दे दी। तो संतान क्यों पुत्र चाहिए था दशरथ महाराज को? इसलिए कि उनका एक कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को एक अच्छा राजा देना चाहिए। ये राजा का एक कर्तव्य होता है कि मृत्यु से पहले एक अच्छे राजा, अगला कौन राजा बनेगा ये वो करके जाए। तो पुत्र नहीं था, इसलिए बड़े दुखी रहते थे और हमेशा चिंतन में रहते थे, दुखी रहते हैं कि कब हो संतान। वैसे एक बड़ी प्रसिद्ध लोक कथा है जो इस समय हमें याद आ रही है, दशरथ महाराज के दुखी रहने पर। लोक कथा क्या होती है? लोक कथा वो होती है जिनका कोई शास्त्र आधार नहीं होता, लेकिन उस स्थान पर बड़ी प्रसिद्ध होती है। जैसे कृष्ण के विषय में कई कथाएं हैं ब्रज में, और वो बड़ी प्रसिद्ध हैं, ब्रजवासी उनको बड़ा आनंद ले लेकर कहते हैं, लेकिन हो सकता है उसका शास्त्र प्रमाण ना हो, शास्त्र में ना हो। तो ऐसी एक लोक कथा है दशरथ महाराज के विषय में कि दशरथ महाराज
दुखी बैठे हैं, संतान की इच्छा है, दूसरी ओर उनके मित्र हैं जटायु, तो जटायु एक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे कुछ ऋषिगण बात कर रहे हैं आपस में, बहुत जल्द भगवान प्रकट होने वाले हैं, भगवान का अवतार प्रकट होने वाले हैं। तो सब लोग हैरान, ऊपर जटायु भी सुन रहे हैं, अरे भगवान आने वाले हैं? बोले हाँ भगवान आने वाले हैं। अच्छा तो कहाँ आएंगे? तो भगवान आएंगे वो दशरथ के चार पुत्रों के रूप में, और जो सबसे बड़े होंगे वो भगवान होंगे। तो जटायु ने सुना तो उन्होंने सब वर्णन किया कि दशरथ एक यज्ञ करेंगे, ऐसे ऐसे यज्ञ होगा, फिर यज्ञ से यज्ञ के बाद संतानें उत्पन्न होंगी। तो जटायु उड़कर पहुंचे वो जहाँ दशरथ महाराज बैठे हैं, तो उन्होंने दशरथ से कहा, देखो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ संतान होने के, तुम्हें एक नहीं चार पुत्र होंगे, लेकिन एक वचन देना होगा। क्या वचन? वचन ये देना होगा कि जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वो मुझे दे देना। तो दशरथ महाराज ने सोचा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार होंगे, एक देना है, तीन फिर भी रहेंगे, अभी तो एक भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वचन दे दिया। फिर जटायु ने बताया ऐसे ऐसे यज्ञ कीजिए इत्यादि, तो यज्ञ हुआ, उसके बाद जन्म भी हो गया, कुछ समय बीत गया, जटायु को पता चला कि अरे दशरथ के चार संतानें हो गई, दशरथ ने बताया ही नहीं। तो फिर वो आए दशरथ महाराज के पास, रामचंद्र जी बहुत छोटे थे, तो उन्होंने दशरथ से पूछा कि अरे आपने वचन दिया था? दशरथ ने कहा कौन सा वचन? उन्होंने कहा आपने कहा था कि अपने बड़े पुत्र को आप मुझे दे देंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतने आसक्त थे रामचंद्र जी से कि वो उनके बिना रह नहीं सकते थे। यही प्रमाण है कि जब रामचंद्र जी वनवास चले गए तो दशरथ महाराज तीन दिन भी जीवित नहीं रह पाए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो ऐसी वार्तालाप चल रही थी, तो इतने में रामचंद्र जी आ गए। रामचंद्र जी ने पूछा क्या चल रहा है? तो जटायु ने कहा तुम्हारे पिता अपने वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं। अरे, रामचंद्र जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, इतने कैसे होता वचन नहीं पूरा करें, प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या बात है? तो उन्होंने बताया सारी बात, और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा था। तो रामचंद्र जी ने कहा अगर मेरे पिता ने वचन दिया है तो ठीक है, मैं उसको पूरा करूँगा, आज से मैं आपका पुत्र हुआ, लेकिन आप मुझे बताइए कि एक पुत्र की सबसे ज़्यादा पिता को कब ज़रूरत होती है? तो उन्होंने कहा मृत्यु के समय, अंतिम संस्कार करने के लिए। तो रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, आज से मैं आपका पुत्र हूँ, जब आपकी मृत्यु होगी तो आपका अंतिम संस्कार मैं करूँगा, लेकिन जब इनकी होगी तो मैं नहीं करूँगा। इसीलिए जब जटायु की हुई थी तो रामचंद्र जी की गोद में जटायु ने अपने देह को त्यागा था। ऐसी एक लोक कथा है, स्मरण आ गई रामचंद्र दशरथ महाराज के व्यथित। तो दशरथ महाराज दुखी बैठे हैं और कोई उपाय नहीं मिल रहा है। उस समय में सुमंत्र आते हैं, जो उनके मित्र भी हैं और मंत्री भी हैं दशरथ महाराज के, और सुमंत्र कहते हैं कि पूर्व काल में मैंने सुना था कि आपके संतानें होंगी, और कैसे होंगी वो समय आ गया है, उसके लिए आपको एक यज्ञ करना होगा, एक आप बड़ा विशाल यज्ञ करेंगे और उससे आपके संतानें उत्पन्न होंगी, लेकिन ये यज्ञ बड़ा विशेष होगा, ये यज्ञ वो व्यक्ति संपन्न करेगा जिसने विवाह के पहले तक नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, और नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं, जिसने अपने जीवन में कभी स्त्री को देखा नहीं हो। स्त्री का संग करना, विचार करना तो दूर की बात है, स्त्री को देखा तक ना हो, ऐसा व्यक्ति आपके यज्ञ को पूरा कराएगा। तो दशरथ महाराज ने कहा ऐसा कौन सा व्यक्ति है? तो सुमंत ने कहा ऐसे व्यक्ति हैं ऋषि श्रृंगे। तो श्रृंगी या ऋषि श्रृंग, ये दरअसल इनका बहुत बहुत रोचक प्रसंग है। ऐसा हुआ था कि रोमपाद महाराज जिनके जिन्होंने शांता को गोद लिया था, शांता जिनकी पुत्री थी, उनके अकाल पड़ा। पहला साल, दूसरा साल, तीन साल अकाल, वर्षा ही नहीं हो रही है। तो सब वर्षा नहीं हो तीन वर्ष तक तो क्या होगा, बहुत तकलीफ हो गई। तो उन्होंने पूछना शुरू किया ब्राह्मणों से क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आपके राज्य में वर्षा हो सकती है केवल तभी
कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके राज्य में प्रवेश करे जिसने अपने जीवन में कभी स्त्री को देखा ही नहीं, तो रोमपाद महाराज ने कहा ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है? तो उन्होंने कहा एक है ऋषि श्रृंगी। तो क्या है वो? तो उसका इतिहास क्या था, उसके पिता ने उसको पाला था बचपन से, उसने कभी देखा नहीं किसी स्त्री को और एकदम अलग रखा था उनको। जंगल में रहते थे तो वहाँ कभी उन्होंने किसी स्त्री को देखा ही नहीं, वो जानते ही नहीं थे स्त्री होती क्या है। और ऐसे बड़े हो गए थे तो पिता बहुत संभाल कर रखते थे और बड़े शक्तिशाली थे उनके पिता। तो ब्राह्मणों ने कहा उनको अगर आप अपने राज्य में ले आए तो वर्षा होगी, लेकिन उनके पिता आने नहीं देंगे, आपको कुछ उपाय करना होगा। और उनके पिता का क्रोध भी बहुत है, आप जानिए कैसे आप करेंगे। तो योजना बनी कि ऋषि श्रृंगी को धोखे से लाया जाएगा राज्य में। तो क्या किया जाएगा, राज्य की सुंदर सुंदर स्त्रियों को तैयार किया गया, बहुत सुंदर, और उनको कहा गया कि ये कार्य आपका है। तो क्या हुआ, बहुत सारी बोट्स को मिलाकर एक आश्रम बनाया गया। और वो आश्रम कैसा था, चलने वाला, मतलब बोट पे है तो पूरा आश्रम बना था, पेड़ हैं उसमें, कुटिया बनी हुई है। उसको क्या किया गया, ले जाकर श्रृंगी आश्रम जहाँ पर था ऋषि श्रृंगी का, उसके पास में लगा दिया गया, अपने राज्य से वहाँ ले गए। उसमें बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियाँ थीं। अब वो स्त्रियाँ इंतज़ार करने लगी कि कब उनके पिता जाएँ। तो एक समय उनके पिता कहीं बाहर चले गए, तो तुरंत ये स्त्रियाँ उनके आश्रम में गईं ऋषि श्रृंगी के। ऋषि श्रृंगी ने आज तक कभी स्त्रियों को नहीं देखा था, पहली बार उसने इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखा। तो उसने सोचा कि कितने सुंदर ऋषि हैं ये, क्योंकि वो तो केवल ऋषि मुनियों को ही जानता था, उसने जंगल में केवल ऋषि मुनियों को देखा था। तो वो सोचने लगा कि कितने सुंदर ऋषि मुनि हैं ये। उसने प्रणाम किया उन्हें, अरे आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं? और ये जो थी ये बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लेकर गई थी। ऐसे कहते हैं ना कि पुरुष का हृदय जीतना हो तो उसको अच्छे अच्छे व्यंजन खिला दो, बेचारा वैसे ही चारों खाने चित्त हो जाता है। तो वो अच्छे अच्छे व्यंजन लेने लेकर गई थी उनके लिए, तो उनको प्रस्तुत किए, उसने खाए। पहली बार लाइफ में आप सोचिए, जो केवल वो तोड़ तोड़ के फल फूल वहीं से खाता हो कंदमूल, अब उसको आप रसमलाई गुलाब जामुन ये सब खिला रहे हो, उसका क्या स्थिति होगा? तो उसने पहली बार खाया, उसने कहा कितने अच्छे फल हैं ये, कहाँ से आए? बोले हमारे आश्रम में बहुत हैं ऐसे। अच्छा हाँ, आप कहाँ रहते हो? बोले हमारे पास में ही आश्रम है, हम लोग वहाँ रहते हैं। बोले आपको तो देखा नहीं, आप इतने सुंदर सुंदर ऋषि हमने कभी नहीं देखे। बोले और बहुत सारे ऋषि हैं वहाँ ऐसे, आप चलिए तो सही। तो फिर उस समय पिता के आने का समय हो गया था, तो वो चले गए कि अपने पिता से मत कहिएगा, बड़ा क्रोध है, हम कल फिर आएंगे। तो ऐसे थोड़ी सी मित्रता बनाई और एक दिन उनसे कहा कि आप हमारे आश्रम में चलिए। तो वो तैयार हो गए, तो अपना आश्रम छोड़कर इनके साथ उनके आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया, उनका आश्रम जो बोर्ड्स पे बना हुआ था। तो जैसे ही प्रवेश किया उन्होंने, तो स्त्रियों ने इशारा किया, बोट चलना शुरू हो गई। तो बोट मतलब धीरे धीरे चल रही है, पूरा आश्रम है पता नहीं चल रहा है। तो आश्रम देख रहे हैं, अरे अच्छा आश्रम है, पेड़ हैं इत्यादि, स्त्रियाँ हैं। देखते देखते राजा के राज्य में आ गए और फिर उन्होंने उनको बुलाया कि अब आप आइए बाहर। तो जब वो बाहर आए तो देखा, अरे ये कौन सा स्थान है, ये कहाँ आ गए? लेकिन वर्णन ऐसा है कि जैसे ही उन्होंने अपने चरणों को रखा उनके राज्य में, वर्षा होना प्रारंभ हो गई। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है, आजकल लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते ठीक से, इसीलिए वो शक्ति भी चली गई है। लेकिन अगर जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कड़ाई से पालन करें तो उनके अंदर ये बल आ सकते हैं। तो वर्षा होना प्रारंभ हो गई, राजा को पता चल गया कि आ गए, भाग कर आए, ऋषि श्रृंगी का स्वागत किया। वो भी देख रहे थे क्या है, उसने पहली बार ये सब देखा, राजा राजमहल ये वो, और तुरंत ले गए राजमहल में। तो अब ले तो गए, अब तकलीफ ये थी कि उनको जब उनके पिता वापस आए वहाँ पर आश्रम में, तो उन्होंने देखा, अरे कहाँ गया, मेरा बेटा नहीं दिख रहा है। तो फिर उन्होंने ध्यान किया और उनको समझ में आया सब क्या हुआ है, धोखा हो गया मेरे बेटे के साथ और उसको ले गए। तो वो तुरंत चल दिए राज्य की ओर। तो उस समय ब्राह्मणों ने राजा से पहले ही कहा, देखो उनके पिताजी आने वाले हैं,
आप संभाल लेना, देखो आपको कुछ करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, कभी कोई ब्रह्मचारी बन जाता है तो हम लोग पहले से तैयार रहते हैं कि पिताजी आने वाले हैं, हंगामा होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि ये संभालो। तो अब करे क्या राजा, और पिता का मतलब तो जानते थे कि इतने क्रोधी हैं, हो सकता है पूरे राज्य को भस्म कर दें, तो कुछ उनको शांत करना है। राजा को एक उपाय सोचा, उसने कहा इसकी शादी कर दो अपनी पुत्री से, और जब वो आएंगे तो दोनों को सामने कर देंगे कि भी अब लड़के का विवाह हुआ है तो क्रोध तो नहीं करेंगे एकदम। तो राजा ने शादी कर दी शांता के साथ, ऋषि सिंह की शादी हो गई, विवाह हो गया। और उधर पिता क्रोध में आए, जैसे उन्होंने राज्य में प्रवेश किया क्रोध में, सब घबरा गए, सब भागे उनके क्रोध को देखकर, और राजा इन दोनों को लेकर गए। राजा आगे नहीं गए, इन दोनों को आगे किए, जाओ प्रणाम करो। तो वो क्रोध में है, और आकर लड़के ने और बहू ने प्रणाम किया तो सारा क्रोध ठंडा हो गया। अरे ये क्या शादी कर लिया, बोले जिस लड़के को बचा कर रखा था, मतलब खैर बचा कर तो नहीं कहना चाहिए, जो भी है जिस लड़के देखा तक नहीं था, तो फिर उसका विवाह हो गया, तो उनका क्रोध शांत हो गया, आशीर्वाद दिया दोनों को। तो वो ऋषि श्रृंगी उस राज्य में रहते थे, तो दशरथ महाराज से कहा गया कि आप उनको बुलाइए, वो यज्ञ करेंगे तब आपका यज्ञ सफल होगा और फिर आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो सुमंत्र ने ये बात राजा को कही, तो ये सुनकर दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और यज्ञ की तैयारियां करने लगे। वैसे ब्रह्मा जी ने घोषणा की थी, यज्ञ में वो घोषणा करते हैं, विष्णु मानुष रूपेण भविष्यन्ति रघुकुले, कि भगवान विष्णु आएंगे मनुष्य रूप में और रघुकुल में वो प्रकट होंगे। तो अब उसके सत्य होने की बात आई, तो फिर यज्ञ करना था और यज्ञ से फिर संतानें होनी है। तो भगवान के आने का समय हो गया था। जब भगवान आते हैं तो उनके आने के कई कारण होते हैं, कुछ कारण हम लोग जानते हैं, भगवद गीता में हम पढ़ चुके हैं, अन्य स्थानों में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ कारण ये भी हैं जो शायद हम नहीं जानते हों। रामचंद्र जी के आने के अन्य कारणों में से एक कारण था कि उन्हें श्राप मिला था। तो वो क्या कारण था, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कोई प्रश्न, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा मन में? यस प्रभु। इसके ऊपर एक कई बार ऐसे चर्चा हो चुकी है, कई स्थानों पर तुलसीदास जी की रामायण को नहीं बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है कि श्रील प्रभुपाद जी के ही एक शिष्य ने बहुत रिसर्च किया था पूरा तुलसी रामायण पर, कि कहाँ पर क्या त्रुटि कहाँ है, ऐसी कोई त्रुटि प्राप्त हुई नहीं उसमें। लेकिन फिर भी माना यही जाता है कि वाल्मीकि रामायण प्रामाणिक है और परंपरा में है, इसलिए हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी जो चीज़ें तुलसी रामायण की वाल्मीकि रामायण से मिलती हों उनको कोट करने में कोई गलती नहीं है। प्रभुपाद ने भी कुछ स्थानों पर तुलसीदास जी को कोट किया है, प्रभुपाद ने शंकराचार्य जी को भी कोट किया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शंकराचार्य जी को प्रमाणिक मानते हैं। जहाँ पर भी जो चीज़ें मिलती हैं उसको बोलने में कोई लाभ नहीं, जहाँ भेद है, जहाँ अंतर लगता है जिन चीज़ों में, तो फिर उनको हमें बोलने से अपने आप को रोकना चाहिए। तो इसीलिए ये बात सही है, प्रभुपाद ने लिखा कि ऐसे है, लेकिन जब किया गया ध्यान, जहाँ तक हमने सुना है कि ऐसा कुछ प्राप्त हुआ नहीं, प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने उस पर रिसर्च किया था तो कुछ ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमारे लिए अच्छा है कि हम लोग वाल्मीकि रामायण से ही कहें, क्योंकि वो परंपरा में प्राप्त होती है। ठीक है, और कोई प्रश्न है, कोई और जिज्ञासा?
हाँ जी, राम को उस समय पता नहीं था जिस समय लव कुश आए थे, क्योंकि वे वन में रहते थे वाल्मीकि के आश्रम में। सीता देवी को जब वो गर्भवती थी तभी छोड़ दिया गया था, तो फिर उसके बाद जो जन्म हुआ उनका वहाँ वन में हुआ, तो इसीलिए रामचंद्र जी को सूचना नहीं थी कि वो हैं। हाँ, अगर आप भगवान की दृष्टि से पूछ रहे हैं कि उनको पता नहीं था कि अब लड़के, वो तो फिर सारी लीला ही पता थी, फिर वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन इस लीला में उन्हें अभी तक ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो सीता से मिले नहीं थे। एक बार सीता को उन्होंने वन में भेज दिया था जब वो गर्भवती थी, उसके बाद फिर वो मिले नहीं, तो उन्हें पता नहीं था कि यही मेरी दोनों लड़के मेरे संतान हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद।